पीओके में बात बहुत आगे बढ़ गई है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, हजीरा, पुंछ, बाग, मीरपुर, कोटली, अब्बासपुर, हर जगह विद्रोह की आग धधक रही है, गोलियां गूंज रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का शहर शहर धुआं धुआं है। पीओके में इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मुजफ्फराबाद में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फोर्स उल्टे पांव भाग रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का बच्चा बच्चा अब आजाद होना चाहता है। सलाम नहीं मानते जुल्म के ये जाते, जुल्म के ये जाते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते जुल्म के ये जाते। दिन हो या रात, पीओके में अब सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पीओके में जो कुछ चल रहा है उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के मन में डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वहां के आम लोग अब पाकिस्तान से आजादी की बात खुलकर कहने लगे हैं। ये बिजली का बिल ये कहीं तुम्हारे गले में ना पड़ जाए और तुम्हें बहुत कुछ जान से छोड़ना पड़े। मैं ये बात कहते हुए बिल्कुल कोई और महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये बिजली का बिल एक बहाना है। कश्मीरियों की आजादी के दिन करीब आ गए इंशाल्लाह ताला, यही तहरीक इंशाल्लाह ताला कश्मीरियों की आजादी की तहरीक बनेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे राइट्स हमें दिए जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। अभी अभी आपने जो तस्वीर देखी ये पीओके के कोटली एरिया की तस्वीरें हैं, लेकिन यही मंजर पीओके के तमाम शहरों में है। पाकिस्तान कश्मीर के ख्वाब देखता है, लेकिन मुजफ्फराबाद तक का इलाका उनके हाथ से फिसलता साफ नजर आने लगा है। पीओके के कितने शहरों में बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है इसकी वजह समझिए। पीओके के मुजफ्फराबाद का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एलओसी से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद के लोग आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। एलओसी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रावलकोट के लोग अब एक पल भी पाकिस्तान की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करना चाहते। एलओसी से 130 किलोमीटर दूर हजीरा में हल्ला बोल हो चुका है। नीलम वैली के पूरे एरिया में जहां भी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठती है उसे अरेस्ट करके परेशान किया जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में तमाम प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान इन लोगों की आवाज दबाकर इन्हें कुचलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे पीओके में लोगों की गिरफ्तारी बढ़ती जा रही है इनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। ये एफआईआर एक गुंडे बदमाश जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, वज़ीर-ए-आज़म, उसको वज़ीर-ए-आज़म बोलना भी उस कुर्सी की तोहीन है। एक ऐसा बंदा जो मुझे ज़हनी तौर पे जो पागल वो लग रहा है, वो मफलूज है, अपाहिज किस्म का एक बंदा हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये उसकी हठधर्मी और गुंडागर्दी है। ये गिरफ्तारियां लगी रहेंगी, आगे भी गिरफ्तारियां होंगी और हम लोग इंशाल्लाह अपना जो मौकफ है उसके ऊपर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। हमें ये गिरफ्तार करें, हमें ये उल्टा लटकाएं, हमें ये कत्ल भी कर देंगे, ये तो हमारा जो खून का आखिरी कतरा है वो अपने हक के लिए लड़ेगा। पीओके में रहने वाले लोग अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और उनका गुस्सा भी जायज है। पाकिस्तान ने इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया, दिया कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनसे छीना, इन्हें मिला कुछ नहीं।
महंगाई चरम पर है। आटे का दाम आसमान छू रहा है। बिजली के बिल बिजली की रफ्तार से बढ़े हैं, लेकिन अपना हक मांगने का मतलब है पुलिस की लाठियां, पुलिस की गोली और पुलिस की कैद। आज भी इंडिया वाले अगर उस कश्मीर की तरफ देखें तो वहाँ बहुत सी सब्सिडी दी गई है। वन बाई वन गेट फ्री गैस का सिलेंडर है। एक सिलेंडर आप लेते हैं मुखदा कश्मीर, एक सिलेंडर वो आपको फ्री देते हैं। किसी किस्म की नागवानी आफत होती है। दूसरे दिन तहसीलदार पटवारी आके लोगों को उसकी पेमेंट करता है। जो कपड़ा दिल्ली में 100 रुपया मीटर है, वही कपड़ा श्रीनगर में 20 रुपये मीटर है। हल्दी, मिर्ची, चावल, दाल, जो भी चीज़ है सब्सिडी दी गई है। 3 एयरपोर्ट है इस तरह। आज अब हमारी नस्ल जो है इस आज़ाद कश्मीर की, ये वाली नस्ल जिसको अब आप सोशल मीडिया की नस्ल कह रहे हैं, ये नस्ल उस तरफ के कश्मीर को देख के ये मुवाजना कर रही है कि हमें 75 साल में पाकिस्तान ने क्या दिया है, सिवाय इसके कि उन्होंने हमारे मदनियात पर कब्जा किया, हमारे जहायर पर कब्जा किया, हमारे जंगलात पर कब्जा किया, हमारे पानी पर कब्जा किया और छोड़ के हमारी सोचों पर कब्जा किया। पीओके के अंदर से वहां की हर तस्वीर, हर खबर सामने आ रही है। वहां की लोकल पब्लिक वीडियो बनाकर पीओके का सच सामने रख रही है। पिछले 72 घंटे में एक्शन कमिटीज पूरे एक्शन में है। नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, एक्टिविस्ट, कारोबारी, हर कोई वहां की हुकूमत के खिलाफ आग उगल रहा है और पुलिस इन सब के खिलाफ FIR कर रही है, पकड़ रही है, जेल भेज रही है। रावलकोट और बाग में एक्टिविस्ट के घरों पर छापे मारे गए। खबर फैली तो व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। अगले दिन लोग सड़क पर आ गए। मुजफ्फराबाद में पुलिस ने दुकानें खोलने के लिए फोर्स किया। पब्लिक ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठियां बरसाई। बिजली मिलेगी नहीं, मिलेगी तो कई गुना महंगी मिलेगी। राशन मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आसमान छूते भाव पर मिलेगा। विरोध की इजाजत नहीं, विरोध करोगे तो गोली खानी पड़ेगी। अब गुस्सा नहीं फूटेगा तो कब फूटेगा? रावलकोट की तस्वीरें गवाह हैं। पब्लिक पत्थर चला रही है, पुलिस उल्टे पांव भाग रही है। हुकूमत ये सोच रही है कि वो पुलिस के जरिए, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए, जैसा चल रहा है पंजाब से लाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस लाएंगे, पहले भी बुला चुके हैं पुलिस। अब ये 90 का दौर नहीं है, ये 2023 है। इनको सोचना पड़ेगा, हम लोग हक मलकियत मांग रहे हैं तो उसका फायदा आम आवाम को नहीं है, ये जो करप्ट हमारे हुक्मरान बैठे होते हैं ना असम्बलियों में, उनको फायदा है कि थोड़ी सी इनकी इज्जत हो जाएगी। जिस तरह जूते की नोक में इनको रखते हैं ना इस्लामाबाद, तो थोड़ी सी इनकी इज्जत हो जाएगी। हम हक मलकियत मांग रहे हैं, हम कहते हैं कि पानी, पहाड़, जंगलात, इनसे निकलने वाली कीमती मादनियात हमारी हैं, इन पर हमारा हक तस्लीम करें। ये नीलम वैली एरिया की तस्वीरें हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक हजारों लोग इकट्ठा हुए और बिजली का बिल पानी में फेंक दिया। वहां हालात ये हैं कि जिनके पास एक कमरे का मकान है उन्हें भी 10-10 हजार रुपए का बिल भेज दिया गया है। लंबा चौड़ा टैक्स जोड़ दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहले ही पाकिस्तान की पब्लिक परेशान है। जब बिजली का बढ़ा हुआ बिल आया तो सब्र जवाब दे गया। 3 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराना चाहते हैं और दिल्ली के लोग भी मुजफ्फराबाद जाकर वहां तिरंगा लहराना चाहते हैं। दिल्ली में खुद मुसलमानों ने इसकी पहल की है। लाल किले में तिरंगा लहराकर मुजफ्फराबाद की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, लगातार तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजर जाएगी तिरंगे यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो भी हाथ में पोस्टर बैनर है आप यहाँ पर देखिए, भारत की संसद से आई आवाज पीओके हमारा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच,
भारत ने पुकारा है पीओके हमारा है, और तमाम इसी तरीके के पोस्टर बैनर जो है वो इन लोगों के हाथ में है। पीओके से आई आवाज, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी जी पर वहाँ की आवाम को भी भरोसा है, पाकिस्तान की आवाम को भी भरोसा है। वो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम, वो पाकिस्तानी आवाम भी, क्या हम हमारे भारत के साथ आ जाए, भारत में शामिल हो। कर पाएंगे प्रधानमंत्री ऐसा? 100% कर पाएंगे, 100%। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा विश्वास भारतीय मुसलमानों को तो है ही, उसी के साथ पाकिस्तान के मुसलमानों को भी है कि पीओके वापस भारत में जाएगा। आज बस ये इनकलाब लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान की नई तारीख लिखी जा रही है। अब पीओके हिंदुस्तान का होगा, ये मुस्लिम राष्ट्र का नारा है। इसी काम को लेकर ये आज हमारी यात्रा चल रही है चांदनी चौक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको यकीन है, कर पाएंगे वैसा? बिल्कुल हमें यकीन है, और हम आपको वादा करते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब हिंदुस्तान का एक ही मसला है कि पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भारत को वापस मिलना चाहिए। हम इसी बात को लेकर ये आज जलसा निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे देश का जो भाग हुआ था उस भाग को हम लोगों को वापस दिलाया जाए, इसके लिए जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे, अपने देश को फिर से अखंड भारत बना के रहेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का विश्वास देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से उनको फेथ है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पीओके को वापस हिंदुस्तान में लेकर आएंगे। पीओके हमारा है, बहुत जल्द हमारा ही होगा। ये आवाज सिर्फ हिंदुस्तान की जनता की नहीं है, पीओके के लोगों की भी। इसीलिए स्वच्छता अभियान वाले मौके पर भी पीओके अभियान की शुरुआत हो गई। मोदी सरकार के वो मंत्री जो आर्मी के सबसे बड़े अफसर रह चुके हैं, उन्होंने मिशन पीओके की शुरुआत कर दी है। जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि पीओके हमारी जमीन थी, हमारा रहेगा, और इसके ऊपर किसी और का कब्जा नहीं चाहिए। अब जो हालात पाकिस्तान के अंदर है, ये आवाज उठनी शुरू हो गई। अब वहां के लोग कहते हैं कि हमें रास्ते खोल दीजिए, हमें दोबारा से अपने कश्मीर में, अपने भारत में मिलना है। यही आवाज अब कश्मीर से भी आ रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जब पीओके के लिए आवाज लगाई तो कश्मीर की आवाम भी दौड़ी चली आई। दिल्ली आए तमाम कश्मीरियों ने सिर्फ एक बात कही, पीओके हमारा है और अब उसे पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने का वक्त आ गया है। देखो जी, पीओके के लोग जब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम जाना चाहेंगे, तो हमें लगता है कि हमें पीओके के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है हम आपस में भाई भाई, हमारे हिंदुस्तान का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, मोदी साहब का एक नारा है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है जिंदा दिल्ली से यहाँ पे जी रहे हैं, हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर सर उठा के जी रहे हैं तो वहाँ पे वो गिड़गड़ा के रो रो के बेचारे जी रहे हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि उनको हमारे साथ आना चाहिए। तो पीओके जो है वो हमारे साथ आना चाहिए। पीओके के लिए आवाज अब हर तरफ से उठने लगी है, इधर से भी और उधर से भी। अब ये साफ है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिनों तक कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से को जबरन अपने कब्जे में नहीं रख सकता। पीओके को वापस लाने का यही समय है और बिल्कुल सही समय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।